क्वेश्चन फर्स्ट, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपने अगर आंसर 206 लगाया है तो बहुत ही अच्छा है, आंसर इसका 206 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जी हाँ दोस्तों, छोटी आंत, अगर आपने छोटी आंत किया है तो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा संपन्न होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अगर आपका आंसर नंबर 2 टाइलिन है तो बहुत ही अच्छा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ये दोस्तों आंसर है थर्ड, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होती है? अगर आपका आंसर नंबर दूसरा है स्टार्च, बहुत अच्छा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, एक्स है वो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? वेरी गुड दोस्तों, अगर आपका आंसर 3 है, HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? यहाँ पैदा, सॉरी मिस्टेक हो चुका था। बिल्कुल सही, अगर आपका आंसर 1 नंबर यकृत है तो यकृत में इसका उत्पन्न होता है पित्त। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वेरी गुड फ्रेंड्स, इसका आंसर है थर्ड, एमिनो एसिड, मतलब एमिनी अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त जमा होता है निम्न में से? बिल्कुल सही दोस्तों, पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? अगर आपका आंसर नंबर थर्ड है प्लीहा तो बहुत ही अच्छा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? अगर आपका आंसर नंबर बी हीमोग्लोबिन है तो बहुत ही अच्छा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? जी हाँ, बहुत ही अच्छा तो जवाब दे रहे हैं दोस्तों आप सभी, प्रमस्तिष्क, आंसर नंबर थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं? बहुत अच्छा दोस्तों, आंसर है यकृत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर थर्ड, पीयूष ग्रंथि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? अगर आपका आंसर नंबर 4 यूरोक्रोम है तो बहुत ही अच्छा दोस्तों, आप बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है? बहुत ही अच्छा दोस्तों, इसका आंसर है नेफ्रान, थर्ड नंबर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बहुत ही सरल सवाल है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल सही, मैं जान रहा हूँ सभी को इसका, आपको लोग आंसर देंगे तो इसका आंसर है थर्ड, पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? अगर आपका आंसर नंबर थर्ड पिट्यूटरी है तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं, निम्नलिखित हार्मोन में से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है जो थायरॉक्सिन के उत्पादन में दोस्तों हेल्प करता है? अगर आपका आंसर नंबर फर्स्ट है TSH तो बहुत ही अच्छा दोस्तों, आप बहुत ही अच्छा इनका जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है?
बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बिल्कुल फ्रेंड, अगर आपका आंसर नंबर फर्स्ट और टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? बिल्कुल सही दोस्तों, एड्रिनलिन, इसे ही लड़ो उड़ो हार्मोन्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर जवाब दे रहा है। बिल्कुल वही सही आप जा रहे हैं, एड्रेनलिन, एड्रिनल जो हमारा जीवन रक्षक हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन है एक प्रकार का, अगर आपका आंसर नंबर बी है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा, आप अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा जान रहे हैं क्विज हमारा। बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोन्स इंसुलिन एक प्रकार का। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन्स है? बिल्कुल सही आंसर, इसका आंसर है थर्ड इंसुलिन। इंसुलिन उत्पादित होता है बिल्कुल सही दोस्तों, पेनक्रियास के द्वारा, अगर आपका आंसर नंबर डी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्त्राव करती है? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आपका आंसर नंबर वन है एड्रिनल ग्रंथि, यही है हमारा जो सेक्स हार्मोन्स का स्त्राव करते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ क्विज समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह क्विज पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि आपको कितने आंसर आए इस क्वेश्चन में से। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।